कराची से अंदरून सफर में लोग छुट्टियां मनाने चांद नवाब मोहम्मद मुराद ब्लॉग के साथ। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायू। ओ मुझु तो पुजायू मन जो उमेदू मुझु तो पुजायू मन जो मुरादू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई। असलम खोजा तुम भी आप सब खैरिश होंगे। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद मुराद अलम। तो बिल्कुल फिट फाट तो सीन ही है। अभी हम ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए हैं, सब उधर खड़े हुए, मैं इधर आ गया था वीडियो बनाने। हम जा रहे हैं सखर, काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ मैं, 5-6 साल बाद। और क्यों जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, वो आगे जाके पता चलेगा। तो अभी सफ़र शुरू करते हैं, बस ट्रेन आ गई है, बाबा इशारा कर रहे हैं आ जाओ, तो मैं निकलता हूँ। बाकी फिर आपसे बाद में मुलाकात होती रहेगी, तो फिर अभी चलते हैं। ये रही हमारी ट्रेन, ये जा रही, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ऑल्सो जुम्मा मुबारक। ये रात को हम आए थे, लेट आ गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे ना, तो खाना वाना खाया, फिर ऐसे वॉक पे निकले। वॉक पे निकले तो चाची ने उधर वो सोडा वोडा पिला दिया, ये जो अपना लिमका शिमका होता है। उसके बाद फिर तकरीबन 2:30-3 बजे तक सोए, और अभी आज मैं उठा भी लेट हूँ, तकरीबन 8:30 के करीब टाइम हो रहा है, और मैं उठ गया हूँ। फिर मैं इधर बालकनी में आया हूँ, तो थोड़ा मतलब अच्छे ठंडी हवा चल रही थी, और वो चिड़ियों की चहकनी की आवाज़ें वगैरह थी, नीचे काम लोग काम तो शुरू हो गए। तो आज का सीन ज़्यादा कुछ नहीं है, आज जुम्मे का दिन है, अभी उठे हैं, नहाएंगे धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, तैयार होंगे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर शाम को है रिजल्ट। तो देखते हैं फिर आज क्या क्या सीन होता है। बाकी उम्मीद है आपको ये व्लॉग अभी तक तो अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से लाइक मारो। और पता है यहाँ पर जो है ना, मुझे लग रहा था कल गर्मी है, जब आए थे ना तो मैं ऐसी मतलब जो है ना अपने नेकर शर्ट में जो मैं आया था उस वैसे ही सो गया, और चादर भी नहीं छोड़ी, और अब सुबह मुझे थोड़ा थोड़ा नजला हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ठंड है अभी भी। मुझे ठंडी मतलब ऐसा खड़ा हूँ तो ठंड हवा लग रही है, मतलब हाफ स्लीव पहन सकते हैं, नीचे नेकर नहीं, पजामा पहनना पड़ेगा। बाकी पहनते हैं, अभी कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। काफ़ी अच्छा मॉल है, अब हमारे जो है ना बिल्कुल ये जो घर है ना उसके तकरीबन समझो 5 स्टेप्स लेके सखर है, वो मस्जिद है, क्योंकि यहाँ की गलियाँ छोटी होती है ना थोड़ी, तो 5 स्टेप्स की जगह और मस्जिद है। तो देखते हैं नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर बाकी आप सब मिलते रहेंगे पूरे दिन में क्या क्या होता है देखते हैं। रिजल्ट भी है आज, उसकी भी टेंशन है थोड़ी, तो चलो आपको अभी मिलते हैं, फिर तैयार व्यार होकर मिलते हैं। Thank you.
मटके वाला भी है आप? ये मटके वाला पिए 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 और पिए। इसमें हरी मिर्च, नींबू, पता नहीं क्या क्या डाला भैया। हाजमे के लिए जैसे मटका बिरयानी होती है कराची में वैसे ये बना दिया इन्होंने। करीम लिमका मटका बिरयानी हर चीज मटके में डाल के बना देते हैं। ये पी रहा है पता नहीं कौन सा तुम ब्लैकबेरी मैं ब्लूबेरी और ये करीम लिमका है। हाँ भैया पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच चल रहा है और इधर बड़ी सिचुएशन हुई है। कितने रुपए की है ये? 60 की प्लेट है। 60 रुपए की एक प्लेट है। ये मिस्टर फ्लेवर, चलो अब इसको टेस्ट करके बताते हैं अंदर। तो भाई आज हमारा आया था रिजल्ट, तो उसकी ट्रीट दी है सोले चाचू ने, पहले लिमका और अब ये फ्राइज खा रहे हम। इसके बड़े अच्छे लगते हैं आप कह रहे हैं। फाइव सॉसेस के साथ स्पेशल फ्राइज, चलो अब इसको खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। The next day. Hey guys, assalamualaikum. Good morning. तो आज है सेकंड मॉर्निंग इन सखर और कल के पहले मैं सीन बता रहा हूँ। कल सीन ये था, कल आया मेरा रिजल्ट SSC पार्ट 2 का, सिंध का, कराची का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने A1 कर दिया। A1 समझ रहे हो? A1 आया आपके भाई का। खैर हाँ, मुझे मतलब सिंध वालों ने सही रिजल्ट नहीं बनाया क्योंकि मुझे भी देखो एक्सपेक्टेड थे 90+% पे, क्योंकि जो है ना मैंने काफी अच्छे पेपर दिए थे, लेकिन मेरी 87 है। चलो खैर जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन हाँ मेरे 2-3 दोस्त हैं मतलब अच्छा पढ़ने वाले, उनकी कम आई है, उनकी काफी कम दे दी है, मतलब किसी की 40 दे दी है, 37। और मेरे जो मुझसे भी अच्छा पढ़ने वाले थे उनकी 83-85, और जिन बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था कोई उनकी यार 90+% दे दी है। और उन्होंने लिपके में देना, उन्होंने कहा कौन ट्राई करेगा, मैंने कहा हम तो नहीं करेंगे, वो मटका लिपका आता ना वो, उन्होंने कहा चलो फिर मैं ट्राई कर लूँ, मैंने कहा सही करे। उन्होंने लिया वो मटका लिपका, बनाया उन्होंने, फिर उन्होंने वो शुरू में पिया, तो शुरू में अच्छा लग रहा था, पानी टाइप लग रहा था। एंड में जब उसका सामान आना शुरू हुआ ना, उसके अंदर वो जो मतलब मिर्ची और पता नहीं क्या क्या डाला था, उन्होंने कहा भाई जिंदगी का मेरा पहली और आखिरी बार था मटका लिमका। और मैं कल अपने आपको ज्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, मुझे बुखार, नजला, सर दर्द सब हो गया था, ठंडे ठंडे पानी आ रहे हैं यहाँ पर, उससे नहाया था उसकी वजह से और ज्यादा हो गया था। तो बस फिर आज थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर है जब दवाई वही खाता। और हाँ, कल आपके भाई ने पूरे सक्कर के रोडों पे बाइक चलाई है, मतलब सक्कर में भी बाइक चला दी आपके भाई ने, देख रहे हो सीन, देख रहे हो, आपका भाई है ही ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कवर बनवाना अपने मोबाइल के लिए ना, तो वो कवर अभी सरप्राइज है, आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा, तो देखते हैं अगर वो कवर बन जाता तो कवर बनाते हुए दिखा देते हैं, बाकी कुछ देखते हैं क्या सीन होता है। तो
मुझे छींक आ रही है, इससे पहले ये ब्लॉग यहाँ पर बंद करो, आगे वाले पार्ट पे जाओ। हाँ भैया, तो हम अभी इधर आए हुए थे मासूम शाह मीनार, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी थक थक के आए हैं। ये हमें, ये हमारे चाचू में बड़ा थका के लेकर आए हैं अभी, लेट करके आए हैं। वो तो वॉशरूम की ऐसे लेट हो जाता है, अभी हम काफी थके हुए इसलिए ख्वारी भी हो गई, बंद हो गया, वो जाने नहीं दिया। लेकिन खैर मैं दूर दूर से ऊपर देख लिया, मैं खैर वापस तो नहीं आऊंगा इधर, इसलिए मैंने कहा बस जितना आपको भी देखना आप देख लो। देख लिया, शाबाश भाई। आए गन्ने की मशीन में, ये गन्ने में जा रहे हैं और इधर से इसका रस निकल रहा है, शक्कर का गन्ने का रस है, शक्कर का गन्ने का रस, शक्कर का गन्ने का जूस। पूरा गन्ना चले गया अभी तो, जूस में गलता हुआ नजर नहीं आया। हाँ भैया, आना शुरू हो गया जूस। इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। ये मेरा सॉन्ग आया था वंस अपॉन अ टाइम मुंबई अगेन में। ये तूने क्या किया, बैठता हूं तो दर्द उठता है, बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ बदनाम फिर भी हर ज़बां पे अड़ा है। इश्क की आपकी तालियां, इश्क की